पर पधारे भारतीय जनता पार्टी के कर्नाट और योग्य प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री असीम अरुण जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री दिनेश खटीक जी, लोकप्रिय विधायक माननीय सांसद श्रीमती कांता कर्दम जी, कपिल देव अग्रवाल जी, सुभाष यदुवंश जी, ब्रज बहादुर जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, विजय आड़तिया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मिशन के लिए समर्पित पश्चिमी क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज शारदीय नवरात्रि का तृतीय तिथि है। इस अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की व्यवस्था सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ जोड़ा है, इस पर आधारित रहा है। आप याद करिए, कौन सा ऐसा कालखंड था जब आज के हमारे अनुसूचित जाति में कहे जाने वाले बंधुओं ने, महापुरुषों ने समाज का मार्गदर्शन न किया हो। याद करिए, जब भगवान राम से साक्षात्कार कराना था तो महर्षि वाल्मीकि रामायण जैसा ग्रंथ हम सबको दिया। याद करिए, जब दुनिया के अंदर अंधकार था तब इस बात का उद्घोष करने वाले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों मानवीय पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वह मेरे इस ग्रंथ में है, जो इस ग्रंथ में नहीं अन्यत्र कहीं नहीं, भगवान वेदव्यास ने इसी धरा से उद्घोष किया था महाभारत जैसा महाकाव्य रच करके। और याद करिए, मध्य काल में याद करिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा का उद्घोष करने वाले संत रविदास जी को भी इसी समाज ने आगे बढ़ा करके भक्ति का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देश आजाद होना था, आजाद भारत में कैसी व्यवस्था चाहिए, एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी और उस संविधान का निर्माता के रूप में अगर किसी ने दिया, किसी समाज ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश को दिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से एक ऐसा संविधान बना जो आज 142 करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ करके उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव
सम्मान दिया है वह सम्मान दिया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज याद करिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जहां रहकर के उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया था, वहां पर स्मारक बना करके इंग्लैंड में रहकर के उस भवन को किराए करके अनुसूचित जाति के नौजवानों को इंग्लैंड में और विदेश में पढ़ाई करने के लिए वहां स्मारक और लाइब्रेरी और वहां पर छात्रावास बनाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में और चैत्य भूमि मुंबई को भी स्मारक के रूप में भव्य स्वरूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, तो दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से संपन्न हो पाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सरकार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रही है, जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप की एक व्यवस्था और उच्च अध्ययन करने के लिए व्यवस्था का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है और लखनऊ में कार्य बहुत शीघ्र आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, ये तो थी वह व्यवस्था जो वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, उन्हें सम्मान देने का कार्य किया गया। लेकिन सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन विचारों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उतर पाया है। सबका साथ और सबका विकास का ये नारा केवल नारा नहीं है, ये योजनाओं में भी दिखता है। पहले योजनाएं बनती थी व्यक्ति को लेकर के, जाति को लेकर के, मत और मजहब को लेकर के, आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जाता है। मकान मिलेगा अनुसूचित जाति को 100% सिक्योरेट करने के लिए, आवास की सुविधा का लाभ उनको पूरी तरह कवर करने के लिए, संतृप्त करने के लिए, शौचालय की सुविधा का लाभ उन्हें पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ पूरी तरह संतृप्त करने के लिए, हर प्रकार की सुविधा का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए। भाइयों बहनों, असीम अरुण जी ठीक ही बोल रहे थे कि हंसी आती है हमें उन लोगों पर जिन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को सर्वाधिक अत्याचार किया और उनका शोषण किया। जब आज वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, जब वे आप माननीय कांशीराम जी का नाम लेते हैं, तो उनके उन बातों पर हंसी आती है और हमें लगता है कि क्या सचमुच ये लोग इस कार्य को करेंगे, कि क्या कालनेमी के रूप में ये लोग केवल छलावा करने का काम कर रहे हैं, क्या ये सच नहीं? 2015-16 में समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित जाति के सभी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी, क्या ये सच नहीं कि सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया था, और क्या ये सच नहीं लखनऊ में भी भाषा विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने किया था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की है, और स्वामित्व योजना में भाइयों बहनों अब तक 66 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको जहां पर उनका मकान है वहीं पर उनको पट्टा भी हो गया और जमीन उन्हीं के नाम पर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। और आज मैं फिर आपको इस मंच से घोषणा करने के लिए आया हूं, हमारी सरकार इस बात के लिए पूरी प्रतिबद्ध है, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि
का पट्टा उस जमीन का उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई डबल इंजन की सरकार करेगी, आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार कर रही है और करेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि होगी तो वहां पर फिर अतिरिक्त भूमि उनको दे करके उनके पुनर्वास की प्रॉपर व्यवस्था होगी, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए